क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातह टीम की पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ी आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से है, उन्होंने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए मकामी मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाके भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद तफसीलात देखिए वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातह टीम के पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ी आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से है, उन्होंने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए मकामी मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाका भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने आदिल रशीद से मुख्तलिफ सवालात भी किए। आदिल रशीद बच्चों के साथ गुल मिल गए और खूब सेल्फियाँ बनाई गयी। शुरका का कहना था की आदिल रशीद इसी इलाके में पले बड़े, यही वजह है की लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा की आदिल रशीद जैसे नौजवान हमारी नई नस्ल के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, और आज की ये तकरीब भी नौजवानों और बच्चों के लिए खसूसी तौर पर मुनक्कित की गई थी, ताकि दीगर बच्चे भी इसी राह पर चलें और अपना और अपने वालदैन का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। I first started playing when I was 8-9 years old. My dad got me into it at a young age. He's really dedicated all his life for me playing cricket. But I remember going to the local park, to the local cricket ground, playing cricket there with my dad and also my brothers. So my dad put a lot of effort in at the age of 8, 9, 10, 11, all the way up until the age of 18. That's all the age groups my dad really put a lot of effort in, and that's the ages where that's where a lot of time was spent and hard work, and alhamdulillah a lot of things have paid off. ye tarbiyat hoti hai maa baap ki, kis taraf aap leke ja rahe hain. तो अल्हम्दुलिल्लाह घराना दीनदार था, तो दीन की निस्बत से मैंने कहा कि सबसे पहले दीन है, उसके बाद तालीम है, दुनियावी स्पोर्ट उसके बाद है। तो तीनों पे मेहनत की इंशाल्लाह, पर अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला ने दिया तो वो चल रहा है ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह दिस गैदरिंग टुडे हियर एट मस्जिद उमर, द पर्पस ऑफ द गैदरिंग वाज दैट आवर यंगस्टर्स दे हैव अ रोल मॉडल टू लुक फॉर अप टू, माशाल्लाह, हु ग्रो अप इन दिस एरिया, हु इज फ्रॉम दिस एरिया, हु प्रेज नमाज एट द लोकल मस्जिद. So Masha, the kids were inspired, and the whole purpose is that it's a message that alhamdulillah we're Muslim. As a Muslim, first and foremost we should be proud, and second of all that we should contribute to society. England ke cricketer Adil Rashid ko yahan bulaye, aur iska maqsad yahi tha ki jo hamare naujawan is ilake mein, Gullingdon ke ilake mein jo bade ho rahe hain, unke liye koi aisa role model ho taki wo future mein wo bhi koi aisa naam ka paida kar sake. बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, अल्लाह ताला ने उसको जो है नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको फतह दी, कामयाबी दी। हम सबको खुशी है एज़ अ मुसलमान भी और एज़ अ ह्यूमन भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सोसाइटी वालों के साथ, लोगों के साथ इस तरह रह रहे हैं। We are all proud of Adil Rashid. He's made us all proud, and he's made my dream come true.